Hey, what's up guys? This is Manjeet and welcome back to my another video. So guys, इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो काफी ब्यूटीफुल डॉग ब्रीड के बारे में जो है साइबेरियन हस्की एंड चाउ चाउ। वैसे दोस्तों इन दोनों के बारे में बात करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अभी कुछ ही देर में आप लोगों के लिए हमारी संडे स्पेशल वीडियो भी आने वाली है जिसमें आप लोगों को बहुत सारी डॉग ब्रीड देखने को मिलेंगी, तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स शायद ये चीज तो आप लोग जानते हैं कि दोनों डॉग ब्रीड ऐसे हैं जो ठंडे इलाकों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि भाई इनका फर जो है वो काफी बड़ा है। तो इन दोनों में से किसी भी डॉग ब्रीड को आप लोग ऐसे इलाकों में रखना चाहते हैं जहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है, तो उसके लिए आप लोगों को कूलर या एसी प्रोवाइड कराने होंगे इन डॉग ब्रीड को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर इन पपीज की क्वालिटी के बारे में बात करें तो पपीज काफी अच्छी क्वालिटी में और इनके फोरहेड पर आप लोग त्रिशूल का निशान देख सकते हैं जिसे मोस्ट लोग इस चीज को पसंद करते हैं। तो पपीज आप लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट एंड ग्रे एंड व्हाइट दोनों ही कलर्स में मिल जाएंगे। आप लोग अपने फेवरेट कलर के पपी को परचेज कर सकते हो एंड पपीज जो है ये ब्लू आईज में है। और वैसे दोस्तों क्वालिटी में भी आप लोगों को कोई इश्यूज नहीं आएंगे बिकॉज पपीज काफी अच्छी क्वालिटी में, बट इनके जो पेरेंट्स की फोटो वीडियोस हैं वो ओनर आप लोगों को पर्सनली सेंड करेंगे, तो आप लोग उन्हें कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये जो साइबेरियन हस्की पपीज हैं ये 40 डेज के हो चुके हैं और ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की गया 27,000 पीस 27,000 रुपए एंड फीमेल की गया 25,000 पीस यानी 25,000 रुपए एंड प्राइस जो है ये नेगोशिएबल है। तो फ्रेंड्स सेकंड बात करते हैं हमारी एक काफी ब्यूटीफुल डॉग ब्रीड के बारे में जो कि दिखने में काफी गोलू मोलू से एंड लायन की तरह दिखते हैं जो है चाउ चाउ। जी हां गाइस ये है वो चाउ चाउ पपीज और ये काफी यूनिक होते हैं। इनमें जो यूनिक चीज होती है वो है इनकी टंग यानी इनकी जीभ का कलर, क्योंकि इनकी जो जीभ है वो दूसरी डॉग ब्रीड की तरह रेड कलर की नहीं होती, इनकी जीभ का कलर ब्लैक पर्पल या फिर ब्लू होता है। तो फ्रेंड्स जो लोग इस ब्रीड को परचेज करना चाहते हैं उन्हें मैं बता दूं कि पपीज बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है और इनके भी पेरेंट्स की फोटो वीडियोस उन्हें आप लोगों को पर्सनली सेंड कर देंगे। तो फ्रेंड्स चाउ चाउ एक मीडियम साइज की डॉग ब्रीड है और ये अग्रेसिव नहीं होती, तो फैमिलीज में रखने के लिए ये काफी अच्छी डॉग ब्रीड है, बट इन्हें एक अच्छा कंपेनियन डॉग बनाने के लिए आप लोगों को इनके साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और इन्हें सोशलाइज और ट्रेंड भी, क्योंकि चाउ चाउ एक स्टबन यानी थोड़ी जिद्दी डॉग ब्रीड है। अगर इनका मन नहीं होता कोई चीज करने का तो आप लोग इन्हें फोर्स ना करें। बाकी मेरी इन्फॉर्मेशन के अलावा अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो आप लोग डायरेक्ट डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट करके हर एक चीज को अच्छे से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि भाई दोनों ही थोड़ी एक्सपेंसिव डॉग ब्रीड है, तो परचेज करने से पहले आप लोगों के सामने हर एक चीज क्लियर होना काफी जरूरी है। तो फ्रेंड्स अगर इन चाउ चाउ पपीज की एज के बारे में बात करें तो ये 43 डेज के हो चुके हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है दिल्ली NCR से। एंड दोस्तों अगर आप लोग डायरेक्ट जाकर इन्हें परचेज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप लोगों के पास सेकंड ऑप्शन भी अवेलेबल है जो है डिलीवरी का। ओनर आप लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे लेकिन उस पर आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एंड फाइनली अगर इनके प्राइस के बारे में बात करें तो भाई ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 26,000 पीस 26,000 रुपए एंड फीमेल की 25,000 पीस यानी 25,000 रुपए, लेकिन डोंट फ्री गाइस प्राइस नेगोशिएबल है, तो आप लोग बार्गेनिंग करके प्राइस और भी कम करा सकते हो। तो यही तक थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूं आप लोगों से हमारी न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।